सोलन के पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आई टीमें अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। इस प्रतियोगिता में छात्र और छात्राएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज की प्रधानाचार्य नीलम कौशिक ने की। सोलन पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आई टीमें अपने खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रतियोगिता में छात्र और छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज की प्रधानाचार्य नीलम कौशिक ने की। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर सतीश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य नीलम कौशिक और सतीश शर्मा ने बताया कि हिमाचल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पीजी कॉलेज सोलन में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 महाविद्यालयों से 14 छात्रों और 6 छात्राओं की टीम भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में जो विजयी रहेगा उनकी इंटर कॉलेज प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सोलन और मंडी जिला के बीच कड़ा मुकाबला होगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंतर्गत टेबल टेनिस चैंपियनशिप यहाँ पे सोलन कॉलेज में आयोजित की जा रही है। ये 27 और 28 तारीख को 2 दिन यहाँ पे करवाई जाएगी और इसमें 16 महाविद्यालयों से 14 बॉयज़ की और 6 गर्ल्स की टीम्स हिस्सा ले रही हैं और इनमें से जो भी विनर्स होंगे वो उनकी फिर नेशनल लेवल की टीम बनाई जाएगी और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो है वो चितकारा यूनिवर्सिटी में आयोजित की जाएगी। जैसा कि टेक्निकल अगर हम बात करें तो जो पिछले साल के विनर्स और इस साल के जो रनर्स अप रहते हैं वो अलग अलग पूल में रहते हैं। टूर्नामेंट अभी चल रहा है तो अभी जो हमारे को ये फिक्स्चर्स डले हैं उसमें जो सोलन का स्पेशली अगर हम बात करें तो वो थोड़ा टफ पूल है। अभी जो मैच रहेगा वो हम चीफ गेस्ट के सामने ही वो करेंगे, वो सोलन और मंडी के बीच रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज। और आगे जो भी इसमें विनर्स रहेंगे वो आगे नॉर्थ जोन के लिए उनकी सिलेक्शन रहती है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे खिलाड़ी उभर कर आएँ और आगे अच्छा रिप्रेजेंट करें। वक्त हो चले एक छोटी सी ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।